नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं समीर। माँ बाप के बाद शिक्षा की वो आश्रय होता है जहां बच्चे स्वयं को सबसे अधिक महफूज महसूस करते हैं। उनके आदर्श ही टीचर होते हैं। लेकिन आपका मासूम सा बच्चा जब स्कूल से घर लौटे और उसकी कराह उसकी आंखों में उबलती मिले तो सहज है कि आप कांप जाएंगे। और जिस घटना की ओर हम बताने जा रहे हैं आपकी भी रूह कांप जाएगी। बात थाना पुलिस तक पहुंच चुकी है, कानून अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन सवाल उठाना लाजमी है कि जब शिक्षा की भक्षक बन जाए तो बच्चे किस विद्या के मंदिर में सरस्वती की आराधना करने जाएंगे। चलिए अब इस दर्दनाक कहानी का आगाज करते हैं। बात पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गेट के पास रहने वाले मोहम्मद असलम की है। उनका 6 साल का बच्चा अब्दुल समद लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल में पढ़ता है। स्कूल हुसैनाबाद शहर के SBI शाखा के पास है। आज सुबह भी खुश खुश समद अपनी अम्मी को टाटा बाय बाय करते हुए स्कूल गया था। लेकिन जब वो लौटा तो उसकी लड़खड़ाहट देखकर घर में सब घबरा गए। उसके लड़खड़ाने की वजह पूछी तो वह जोर जोर से रोने लगा। कमर से उसका हाथ हट नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर की रेखा उसे बोलने से रोक रही थी। लेकिन बार बार पूछने पर वह माँ के सामने झुक गया। जब ममता की गोद मिली तो वह बिलखते हुए कहने लगा, उसने जो बताया उसे सुनकर सभी लोग गुस्से के साथ हैरानी में पड़ गए। आखिर एक टीचर, वह भी स्कूल का प्रिंसिपल, मासूम बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन सच यही है, स्कूल के प्रिंसिपल शशिकेश कश्यप ने गर्म लोहे की रॉड से कमर के नीचे 2 से 3 जगह दाग दिया है। UKG क्लास में पढ़ने वाला समद दर्द से तड़प रहा है। समद के पिता ने हुसैनाबाद महिला और बाल संरक्षण थाने में शिकायत की है। महिला थाना के SI नंदराम ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर किसके भरोसे माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजे जब शिक्षा की जल्लाद जैसी हरकत करने लगे। फिलहाल द न्यूज पोस्ट इस खबर में और भी अपडेट देगा और प्रशासन से कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की मांग भी करता है। ऐसे दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।